वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है मैथमेटिक्स टू फाइनेंस में जिस टॉपिक पर आ गए हैं, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हम फेस करेंगे जिसमें कि हमें जो पूछ रहा है उसको इक्वेशन में हमें डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। हम यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले की कोई यहाँ पर नीड नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा इससे पहले उसी फॉर्मूले से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। टेबल, ये टेबल नहीं है, सिर्फ आपके पेपर में क्वेश्चन में टेबल तो मैंने बना दिया है, आपके एग्जाम में सिर्फ ये यहां से यहीं तक सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा, और आपको आंसर करना है। ठीक है, सवाल क्या, सवाल पढ़ते हैं। अ डेब्ट ऑफ रेट 200 रुपीज ड्यू 2 ईयर्स हेंस एंड अनदर ऑफ रेट 500 रुपीज ड्यू 7 ईयर्स हेंस। क्या मतलब है इसका? चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, बताता हूं मैं आपको। आर टू बी पेड ऑफ बाय अ सिंगल पेमेंट 3 ईयर्स हेंस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम इफेक्टिव, हाउ मच इज द पेमेंट। सवाल समझिएगा, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं आपके चैट पे भी नजर बना के रखता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या है इसमें कि अ डेब्ट, मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं, अ डेब्ट मुझे नहीं मालूम, ऑफ 200 रुपीज ड्यू 2 ईयर्स हेंस। कोई एक पैसा है जिसको कि मुझे 2 साल बाद उसको 200 रुपए लौटाना है, तो क्या प्रिंसिपल है? मुझे नहीं मालूम, दो अलग अलग प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम फिलहाल, बस एक प्रिंसिपल है और 2 साल के बाद मुझे उसको 200 रुपए लौटाना है इन फ्यूचर। तो 200 रुपए का अमाउंट है, 2 साल के बाद मुझे 200 रुपए लौटाना है। तो अ डेब्ट ऑफ रेट 200 रुपीज ड्यू 2 ईयर्स हेंस, तो एक मैंने उधार लिया जिसको मुझे 2 साल के बाद कुल अमाउंट जो है 200 रुपए लौटाना है विद इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिल, समझ लो 2 साल बाद लौटाना है 200 रुपए। एंड अनदर ऑफ 500 रुपीज ड्यू 7 ईयर्स हेंस, और एक जो दूसरा प्रिंसिपल है मेरा उसको मुझे 5 साल के, उसको मुझे 7 साल के बाद 500 रुपए वापस करना है। भैया मैंने आपसे एक पैसा लिया, मुझे नहीं पता कितना लिया, इतना जरूर मालूम है, हाँ इतना जरूर मालूम है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, 5%। मैंने आपसे एक पैसा लिया, पता नहीं कितना लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5% रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट से लिया है मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया मैंने। तो 2 साल के बाद मुझे ब्याज व्याज मिला करके आपसे, आपको 200 रुपये लौटाने होंगे, और उसी समय एक पैसा और लिया था मैंने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 7 साल बाद उसको मुझे 500 रुपये लौटाने हैं। ये स्टार्टिंग की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है, इस स्टार्टिंग की बात को मैं ओल्ड ऑब्लिगेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? ओल्ड ऑब्लिगेशन। समझाने के लिए टेबल बनाया है, मतलब कि 200 रुपए मुझे 2 साल में लौटाने हैं और 500 रुपए ड्यू हो जाएगा। कोई एक पैसा लिया हुआ है तो 2 साल में वो कितना ड्यू हो जाएगा, वो 200 रुपए ड्यू हो जाएगा विद रेट विद इंटरेस्ट, और वही वो पैसा 5 साल 7 साल बाद 500 रुपए ड्यू हो जाएगा। ये ओल्ड ऑब्लिगेशन है, क्लियर है? अब आप यहां पर एक चीज और यहां पर कह रहा है कि ऐसा, ऐसी बात शुरू में हुई थी, ऐसी बात शुरू में हुई थी, लेकिन मूड चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, कुछ और चीजें फिर होने लगी। ये बात तो ऐसे तय हो चुकी थी कि ठीक है 2 साल बाद तुम्हारे ब्याज समय तुम्हारे 200 रुपये वापस कर दूंगा, 7 साल बाद तुम्हारे 500 रुपये वापस कर दूंगा ब्याज समय, ये बात हो गई थी, बस में दम भी था सच्चाई भी थी। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ? बीच में सवाल ये पूछ रहा है कि भाई वो आता है चल करके धड़ाधड़, भाई ऐसी बात है 3 साल हो गए मेरे सारे पैसे वापस करो जितने बनते हैं मेरे, तो 3 साल में उसका जो भी बनता है वो सारे पैसे आपको वापस करना है, 3 साल में जो बनता है उसका सारे पैसे आपको वापस करना है 3 साल में ही। तो सवाल यहां पर है कि वो पैसा कितना होगा जो कि आप 3 साल में वापस करेंगे। क्लियर है जी? कहता भाई बात ऐसी कि 3 साल में मेरे पैसे मेरे सारे वापस करो जो भी है। तो आप एक बात को समझिएगा, इसको 3 साल जो है ना, हम इसको हम वैल्यू ऑफ द ईच एट द फोकल डेट, फोकल डेट क्या है? 3 साल, जिसमें कि उसका हिसाब करना है मुझे, 3 3 ईयर्स क्या फोकल डेट है। तो आपको पता है कि जो 2 साल बाद 200 रुपए हो रहा है उस पर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा क्योंकि 3 साल बाद लौटाना है, तो इस पर कितना लौटाना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। क्या? कि जो 200 रुपए 2 साल बाद हो रहा है, तो कह रहा है स्टार्टिंग से 3 साल बाद मेरा पूरा पेमेंट करके मुझे भैया फ्री करो 3 साल में, तो 3 साल में मुझे कितना उसको देने होंगे जिससे कि उससे मेरा जो है मेरी सरदर्दी खत्म हो जाए, पीछा छूट जाए मेरा उससे। तो 200 रुपए जो है ये तो 2 साल में हो रहा है, बट 3 साल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1+, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 0.5 होगा। तो 2 साल में तो इतना था, बट अगर मैं 3 साल की बात करूं तो इसके बाद ये पैसा 1 साल और होगा, 1 साल और, 2 साल बाद 200 रुपए देने थे ना, पर 3 साल बाद देने, तो उसमें फिर 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा मुझे, बात समझिए। और उसके बाद ये तो खैर 7 साल के बाद होता, वो होता 500 रुपए, 7 साल बाद होता, ये तो समझिए जरा इसको, ये 500 रुपए जो है ना कम होता, ये तो 7 साल बाद होता, लेकिन मुझे 3 साल बाद ही हिसाब करना है, तो मुझे 500 रुपए देने की तो नीड ही नहीं है ना। बात तो ये हुई थी कि 7 साल के लिए पैसा रखूंगा तब 500 दूंगा, अगला कह रहा है मुझे 3 साल में सारा वापस करो, तो क्यों उसको 500 में दूंगा, बात बताइए आप, मेरी बात समझे या नहीं समझे आप, भाई मेरी बात समझिए, मैंने कहा था 7 साल बाद आपको 500 रुपए ब्याज समेत बनते हैं, मैं वो आपको लौटाऊंगा 500 रुपए ब्याज समेत, अगला कह रहा है मुझे 3 साल बाद ही मेरा हिसाब पूरा कर दो, तो मैं क्यों उसको 7 साल वाला ब्याज समेत उसको 500 दूं मैं, फिर मैं 3 साल का अकॉर्डिंग चलूंगा ना, तो मुझे यहां से ये 7 साल के बाद ये अमाउंट 500 होगा, लेकिन मुझे 3 साल के बाद उसको लौटाना है, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे आने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मुझे पीछे आने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पीछे आना है तो आओ ना भाई, 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 7 साल के बाद वाला दिया हुआ है, मुझे 3 साल पे आना है, पीछे 3 साल आना है, 4 साल बैक मारना पड़ेगा, मेरी बात समझिएगा, 7 साल बाद वाली बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे 3 साल बाद आना है, तो यहां से मुझे 4 साल बैक मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा बताइए, तो 4 साल बैक मारना पड़ेगा, बट जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो पावर आपकी माइनस में लगती है या नहीं लगती है, हाँ या ना बताइए जरा। तो भैया यहां से इतना पैसा 1 साल का और ब्याज बनता है, वहां से पीछे ले इतना बनता है, कुल मिलाकर के 3 साल में उसका इतना बनता है। आइए जरा इसको सॉल्व कर ले भाई, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बताओ, 200 × 1.5 कितना था आपका, 5% था ना, ओहो गड़बड़ गड़बड़ है भैया, 5% का मतलब क्या होता है, 5% मतलब 0.05, ठीक है जी 0.05। हाँ जी देखिए जरा, तो क्या हो गया मेरे पास में 1.05, ये 1 साल ही होता ना इसमें, और प्लस 500 और 1.05 रेज़ टू पावर -4। आइए सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं हाथ में, कितना बनता है भैया, 200 × 1.05 ये बन जाता है 210 रुपये, इसके प्लस 500 प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 1.05 प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 4 बार, तो मतलब 6 बार जाना पड़ेगा, तो क्या आया 0.8227, क्लियर है जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 500, तो 411 आया, तो कितना आया रिजल्ट मेरा, 210 + 411, तो कितना हुआ 621, तो 3 साल बाद उन भाई साहब के बनते हैं 621, बोलेंगे भैया अपने 621 लो निकलो यहां से, समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट तो आप जरूर बताएंगे, 621.35, ठीक है जी बात समझे, कोई डाउट है तो पूछिए भाई साहब, हाँ जी बिल्कुल, बैक में आना है ना, प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, प्रेजेंट वैल्यू पे आना है हमें, भाई बात समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे मेरे लाल, टेबल को समझिए, टेबल में क्या बताने क्या रहे, टेबल समझाने के लिए बनाया था आपको, ओल्ड ऑब्लिगेशन पहले कहा गया था, क्या पुरानी बातें थी, पुरानी तय तमन्ना हुई थी क्या, कि भैया 2 साल बाद 200 लौटा दूंगा और 7 साल बाद 500 लौटा दूंगा, ये ओल्ड ऑब्लिगेशन है, जिसमें कि वैल्यू ऑफ द ईच एट द फोकल टाइम, फोकल टाइम मतलब जिसपे मुझे पेमेंट करनी है, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या बनेगी, फोकल टाइम में इसकी वैल्यू ये बनेगी और इसकी वैल्यू -4 कर बनेगी, न्यू ऑब्लिगेशन क्या है, 3 साल में पैसा वापस करना है, इसलिए क्लियर है ना, वैल्यू ऑफ ईच एट द फोकल डेट, फोकल डेट पे क्या हो गया 3 साल बाद क्या होगी, वो एक्स मान लिया था। अगला ऐसा सवाल है, खैर मैं चाहूं तो इसकी आपको हेल्प नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सवाल आपके पेपर में बस यहीं तक ही पूछा जाएगा, ठीक है, थोड़ा कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, सेंटर के ऊपर ले लीजिए, ठीक है जी,
लोगो आ रहा है आपका, तो ये लो। हाँ जी, जरा करें इस सवाल को। करिए जल्दी से। अच्छा, करिए जरा। चलिए मैं बताऊं क्या करना है। ठीक है, बता ही देते हैं जी। सामने देखिए क्वेश्चन क्या है। इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, एक वचन दिया गया, एक वादा किया गया कि भाई साहब जो पैसा मैंने आपसे लिया है, मुझे नहीं मालूम क्या लिया है, वो बात छोड़िए, लेकिन जो भी लिया है 10 साल के बाद मैं आपको आपके 500 बनते हैं अकॉर्डिंग टू 2% रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट। क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे जो पैसा उधार मैंने लिया है, ये बात छुपी हुई है, ना आपको पता ना मुझे पता क्या लिया है, बस मैंने कुछ पैसा आपको लिया है, ठीक है, और जो इस पे कैलकुलेट 2% के हिसाब से करें तो 10 साल में आपके बन जाते हैं 500 रुपए। तो मैंने कहा कि आपके विद इंटरेस्ट आपका जो पैसा बनता है एज अमाउंट, वो आपका 500 बनता है 10 साल में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो पैसा उधार लिया इसके ऊपर। तो ठीक है, मैं 10 साल के बाद आपको जो है आपका 500 रुपये मैं आपको लौटा दूंगा, ऐसी बात स्टार्टिंग में हुई, ये ओल्ड ऑब्लिगेशन है। बट आप पर्सन एग्रीज टू पे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा, ऐसी बात पहले हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा, 200 रुपये उसी टाइम दे दिए, फिर 6 साल बाद 200 रुपये दे दिए, और 12 साल के बाद मैं उसे क्या लौटाऊं जो कि मेरा हिसाब उसके हिसाब पे खत्म हो जाए, 12 साल के बाद उसे क्या लौटाऊं। तो पहली बात तो आप समझिएगा, 12 साल बाद में उसको क्या लौटाऊं, ये बात तो कंफर्म है कि जब मेरा कोई पैसा 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स मेरा पैसा जब 500 रुपए बन रहा है, तो सवाल है कि 12 साल बाद उसको क्या लौटाऊं। तो 12 साल के बाद उसे मुझे टोटल कितना मुझे उसको देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 12 साल के बाद उसको कितना देना चाहिए, तो यहां से मुझे उसको 2 साल पैसा और देना चाहिए इंटरेस्ट के ऊपर, 10 साल बाद वो एज अमाउंट 500 बन जाता है ना, बट कह रहा है 12 साल बाद कितना देना चाहिए, तो 12 साल के बाद मुझे उसे कितना देना चाहिए, तो इस 10 साल में के बाद ये बना था, 2 साल इस पर और देना चाहिए। ये बात आप सहमत है या नहीं सहमत है इस चीज से, बताइए जरा, क्लियर है। तो यहां पर मैं इसलिए एक काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं कि इस 500 रुपए के ऊपर मैं 1+0.02 रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 2 साल का यहां पर इसको और दूंगा, तो मालूम पड़ जाएगा 12 साल का कितना टोटल इसका अमाउंट बनता है, ये पता लग जाएगा। 500 रुपए तो 10 साल बाद बनता था अमाउंट, क्लियर है, समझ गया जी। अब यहां पर क्या है, ये तो इतना मुझे लौटाने थे, अगर मैं बीच में कुछ देता जाता ये तो पुरानी बात हो गई, मुझे इतना बनता है उसका पैसा, कुछ पैसा लिया था 10 साल के बाद उसका 500 बनता था, अगर मुझे इसको 12 साल बाद लौटाने होंगे तो उस पर 2 साल का और ब्याज देना पड़ेगा 500 के ऊपर, तो मुझे इतना लौटाना चाहिए, तो मुझे 12 साल का उसको ये रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन ये तो पुरानी बात होगी ना। बट मैं बीच में कुछ कुछ उसको देने लग रहा हूं पैसा, तो फिर 12 साल के बाद मुझे पूरा अमाउंट इतना थोड़ी देना पड़ जाएगा,
भाई साहब बीच बीच में कुछ कुछ पैसा पकड़ा दूंगा तो भैया पूरा बनता तो आपका इतना पैसा है, लेकिन जब बीच बीच में कुछ कुछ पैसे मैं आपको देता रहूंगा तो इतना कैसे बकाया रहेगा, समझिएगा। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ही 100 रुपए दे दिए। ओहो, स्टार्टिंग में ही 100 रुपए दे दिए तो मतलब मैं तो उस पैसे पे तो पूरा 12 साल का अकॉर्डिंग लेके जो भी पैसा लिया था उसमें तो पूरा 12 साल का मैं ब्याज लेके चल रहा हूँ, पर वो पैसा मैंने शुरू में 100 रुपए दे दिए तो मतलब कि शुरू में ही 100 रुपए मैंने उस पैसे पे दे दिए हैं, तो 100 रुपए पर 12 साल का ब्याज बनता कितना है, 100 रुपए पर 12 साल का कितना ब्याज बनता है, 1+0.02 इतने बनता है अगर डे वन ही दे देता हूं मैं तो। इतना पैसा तो मुझे देने की उसको नीड है ही नहीं, ये ऑलरेडी मैंने निपटा दिया। इसमें तो भैया ब्याज समेत लगा हुआ है ना, उस 100 रुपए के ऊपर भी तो ब्याज समेत 12 साल में बना है, मतलब 100 रुपए स्टार्टिंग में दे दिया मैंने तो ये तो देने की मुझे बाद में नीड होगी ही नहीं उसको। प्लस 6 साल बाद मैंने उसको 200 रुपए और दे दिए तो 200 रुपए जो मैंने 6 साल बाद उसको दिए 12 साल में तो 200 रुपए के ऊपर 200 रुपए जो मैंने दिए तो 1+0.02 6 इसको भी समझिए, 200 रुपए 6 साल के बाद मैंने 200 रुपए उसको दे दिए जो मैंने पैसा वहां पे देके खत्म ही कर दिया 200 रुपए, तो उस पे आगे के 6 साल तो ब्याज देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो 200 रुपए इतने रुपए और मुझे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 200 रुपए में प्लस उसका इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। तो ये और ये जब पे हो ही चुका है, ये भी पे हो चुका उसको, ये भी उसको पे हो चुका, तो अब जो बाकी बकाया है वही तो दूंगा। बाकी बकाया को मैं मान लेता हूं भैया, बाकी बकाया जो है वो क्या है, बाकी बकाया एक्स है, बाकी बकाया मैं उसको एक्स दे दूंगा, जो भी 12 साल में विद इंटरेस्ट बनता है बाकी बकाया पे वो सबको मैंने एक्स मान लिया। तो मैंने अगर 100 रुपए स्टार्टिंग में दे दिए तो विद 12 साल का इंटरेस्ट तो रिक्वायरमेंट बनता नहीं, इसका मतलब ये पेड हो चुका है, ये इस पे 6 साल का पेमेंट बनता नहीं है 200 रुपए पर, मतलब ये भी पेड़ हो चुका है, और प्लस जो रहता है मैं वही तो लौटाऊंगा, तो मैं ये लौटाऊंगा, तो कुल मिलाकर के सारी की सारी कहानी ये बननी चाहिए ना। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है भैया, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो बस आपको अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या 500 1.02 raised to power 2 = 100 raised to power 1.02 raised to power 12 and plus 200 raised to power 1.02 raised to power 6 plus x। अब सॉल्व करना है कैलकुलेटर से तो कैसे करेंगे देखिएगा, 1.02 देखिए पास्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, जब पावर माइनस में होती है तो मतलब कि आप पीछे आके वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें डिवाइड, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख कर करके आप क्या करें, डिवाइड एंड इक्वल्स दबाते चले जाएं और जितना पावर है उस पर 2 एडिशन लेके चलें, और जब भी आपको ये तो वो तो था, वो कब था, वो था प्रेजेंट वैल्यू में, बट अब फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, आगे जाकर के निकाल रहे हैं आप, तो फ्यूचर वैल्यू आप जब भी निकालोगे तो वहां पर डिवाइड नहीं होगा, वहां होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होगा वहां पर, क्या होगा वहां होगा मल्टीप्लाई, और कितनी बार इक्वल दबाऊंगा, जितनी पावर है उससे 1 एक्स्ट्रा, तो माइनस वाले में डिवाइड और 2 एक्स्ट्रा, और पावर जब पॉजिटिव होती है माइनस वाले में मतलब प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड और पावर का 2 एक्स्ट्रा इक्वल दबाना है, और आपका पॉजिटिव पावर में मतलब फ्यूचर वैल्यू में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितनी बार मतलब इक्वल्स टू दबाएंगे कब तक, जब तक कि इसकी पावर 3 बार, तो मतलब कि यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, गिनने की जरूरत नहीं है, तो कितना है आपका 1.0404 × 500 कर ही देता हूं इसको, 500 क्या ही लेके चलूं इसको मैं, 520.2। पहले इस बात को समझिए, पहले इस चीज को जरा समझिए क्या है ये, कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे देखेंगे आप कि यहां पर आप निकालेंगे इक्वल्स टू 100। अब क्या करना है आपको, यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो 1.02 मल्टीप्लाई इक्वल कितना दबाएंगे, 12 तो 13 बार, मतलब 13 आना चाहिए यहां पर काउंटिंग में, 13 आनी चाहिए, 13 आना चाहिए यहां पे, करते रहो यहां पर लिखा हुआ जाएगा 13, तो रुक जाना भैया, ये रहा, तो क्या आया आपका 1.26
एट दिस वन और मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना है ये मेरे पास में, 520.2 इक्वल्स टू 126.82, ठीक है। प्लस इसको भी मैं कितनी बार करूंगा, 7 बार करूंगा, तो 1.02 इंटू एक कितना आया, 200, और 1.1261 प्लस एक्स। अब सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 200 कर देते हैं तो कितना आएगा मेरे पास में, प्लस 225.23, क्लियर है जी। और प्लस क्या आया मेरे पास में, एक्स आया। अब सॉल्व करते हैं इसको, 520.20 इक्वल्स टू प्लस 225, हाँ ठीक है, 48 प्लस 126.82, 126.82 कितना है, 352.05 एंड प्लस एक्स। अब क्या करना है मुझे, माइनस कर देना है 520.20। तो कितना आया मेरे पास पे, एक्स इक्वल्स टू 168.14। भैया ये पैसा दे करके ना उसको 12 साल बाद बोल देना, भैया अपने आज से ना हम आपको जानते नहीं आप हमें जानते, क्लियर है बात, समझे। तो ये इस तरह के सवाल आपका सॉल्व होगा, इक्वेशन बना करके सवाल सॉल्व होगा बच्चे आपका ये। प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है इसमें से, प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में 100 रुपीज को पेमेंट कर दी है, जब 100 रुपीज पेमेंट कर दी है स्टार्टिंग में, पुरानी बात तो ये चीजें डिसाइड हुई थी कि भैया आपको 10 साल बाद जो भी पैसा, मैं आपसे एक पैसा लेता हूं, मैंने डिसाइड कर लिया आपका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल कुल मिलाकर के 10 साल बाद आपके बनते हैं 500, एज अमाउंट आप अपना 500 रुपये 10 साल बाद ले लेना, ये बात हो जाती है खत्म। अब हुआ क्या एक्चुअल में वो बात करता हूं मैं, पैसा मैंने 12 साल के लिए रखा तो 12 साल बाद मुझे कितना लौटाना पड़ेगा। तो एक बात तो साफ है कि जब 10 साल बाद इतना लौटाना पड़ रहा है तो 12 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा, तो इसमें मुझे 2 साल का और ब्याज देना पड़ेगा, दिस वन दिस, मुझे कुल 520 रुपये उसको लौटाने हैं 12 साल बाद, थोड़ा लौटाने हैं, तो 12 साल हुए, 520 रुपये दे दो उसको, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि आपने बीच बीच में कुछ पेमेंट करना आपने शुरू कर दिया था, तो जब आपने दे बनी स्टार्टिंग में 100 रुपये दे दिया था तो फिर 12 साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट किस बात का, तो 100 रुपये प्लस 12 साल का इंटरेस्ट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन माइनस होगा इसमें। और एक पैसा आपने जब 6 साल बाद ही आपने 200 रुपए उसको दे दिए, तो उस 200 रुपए पर अगले 6 साल का इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं है फिर आपको, तो उस 200 रुपए 6 साल का इंटरेस्ट मतलब इतना पैसा उसमें से माइनस करो, 200 प्लस पे इंटरेस्ट ये पैसा माइनस करो, तो बाकी जो बच जाएगा ना आपका वही पैसा तो आप फाइनल पेमेंट करके निपटाओगे उसको,